पुष्कर से खबर आ रही है, जहां पर तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ब्रह्मा वाटिका सड़क पर जलभराव की स्थिति, श्रद्धालुओं के वाहन तक डूब गए हैं, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। सावित्री माता मंदिर मार्ग पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। प्रशासन ने अभी तक नहीं ली है सुध, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंस गए हैं पुष्कर में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंस गए हैं तेज बारिश के बाद। अभी सड़कों पर जलभराव की स्थिति लगातार और बनी हुई है और वाहन तक डूब गए हैं, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। सावित्री माता मंदिर मार्ग पूरी तरीके से पानी में डूब गया है और प्रशासन ने अभी तक इस मामले को लेकर कोई सुध नहीं ली है। प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा है और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो फंसे हुए हैं। ब्रह्मा वाटिका सड़क पर भी जलभराव की स्थिति और ऐसे में हालात लगातार पुष्कर में बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ जैसी स्थिति पुष्कर में हो गई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर आ रही है। ब्रह्मा वाटिका सड़क पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, श्रद्धालुओं की गाड़ियां तक इस पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए सड़क पूरी तरीके से पानी से सराबोर भरी हुई, जलभराव की स्थिति, बाढ़ जैसे हालात, तेज बारिश के बाद पुष्कर में स्थिति गंभीर होती हुई, सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, तालाब और नदियों में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए बड़ी संख्या में पुष्कर चुकी धार्मिक स्थल है और ऐसे में लगातार टूरिस्ट आते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए हैं पुष्कर में। हमारे सहयोगी फूलचंद फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फूलचंद, तस्वीरों के माध्यम से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं, यहाँ गाड़ियां आदि डूब गई हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंस गए हैं, जरा बताएं क्या ताजा स्थिति? बिल्कुल नंदनी, पुष्कर के भी हालात बड़े बहुत ही बदतर खराब होते दिख रहे हैं। पुष्कर में आज हुई बारिश के चलते पुष्कर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के पास जो ब्रह्म वाटिका है वहां पर भी उस क्षेत्र में भी भारी मात्रा में पानी भर गया, पूरा रूप क्षेत्र जो है पूरा पानी पानी हो गया, जिसके चलते वहाँ के श्रद्धालु की जो गाड़ी आई थी वहाँ श्रद्धालु उनकी गाड़ियों में आए थे, वो सारा उसमें पानी भर गया और वो गाड़ियां और वाहन सारे डूबते नजर आ रहे हैं। और वही श्रद्धालु भी इसमें कई जगह फंस गए हैं। वही आज सोमवती अमावस्या के चलते पुष्कर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु है, यहाँ पर जगह जगह ने श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है और प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई है, जिसके चलते व्यवस्था का आलम है और बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।